हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय चैनल अंजलि मिक्स रेसिपी। फ्रेंड्स, आज मैं बनाने वाली हूँ एक कुछ स्पेशल, जिसे कहते हैं एप्पल का खीर, यानी सेव का खीर, जो व्रत में बहुत ही स्पेशल होता है और बहुत ही हेल्दी होता है। तो खीर बनाने के लिए मैंने यहाँ 1 लीटर फुल क्रीम दूध लिया है और मैंने यहाँ 3 एप्पल लिया हुआ है। सबसे पहले हम दूध को बॉयल होने के लिए रखते हैं। मैंने दूध को गैस पे रख दिया है बॉयल होने के लिए। अब हम दूध को चलाते रहेंगे कंटिन्यू। और 1 लीटर दूध है, दूध को हम वैसे जला जला के हमें 1/2 लीटर करना है, गाढ़ा बनाना है, तो इसे बॉयल होने देते हैं। सबसे पहले हम एप्पल के आउटर पार्ट को छील लेंगे। सो फ्रेंड्स, मैंने इसका छिलका निकाल लिया है। अब इसे हम 20 साइज से कट करेंगे, इस तरह से। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हो मैंने एप्पल को छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया है और अच्छे से साफ भी कर लिया है। अब इसको हम क्या करेंगे, एक हम प्लेट लेंगे जिसमें हम छोटा वाला मीडियम साइज का कद्दूकस रखेंगे और इसे हम कद्दूकस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं इस तरह का इसमें से लच्छे निकलेंगे और ये बहुत ही सॉफ्ट होता है, सिर्फ बिल्कुल टाइम नहीं लगता है कद्दूकस करने में, फटाफट हो जाता है। तो प्लीज़ आप एक बार ज़रूर बना के इसे ट्राई करें। तो इसी तरह हम सारे एप्पल को पहले कद्दूकस कर लेंगे। आप देख सकते हैं ये कितना फटाफट हो जाता है, जो छोटे छोटे टुकड़े टूट जाने से हम साइड कर लेंगे इस तरह से। तो आइए सारे एप्पल को हम पहले कद्दूकस कर लेते हैं। तो फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं मैंने इसे बहुत ही बारीक कद्दूकस कर रखा है। तो आइए आगे की प्रोसेसेस हम आपको दिखाते हैं। फ्रेंड्स, मैंने यहाँ लोहे की कढ़ाई ली है जिसमें हम 1 चम्मच घी डाल रहे हैं। तो फ्रेंड्स, घी गर्म हो चुका है, अब इसमें हम कद्दूकस किया हुआ सेव को डालेंगे और इसे हम हाई फ्लेम पे 5 से 7 मिनट तक सेकेंगे। बस इसका कच्चापन हमें दूर करना है, हमें ज़्यादा नहीं सेकना है, इसे भूनना नहीं है, रोस्ट नहीं करना है, बस इसका कच्चापन दूर करना है और घी के साथ ये थोड़ा सा सीख जाए, 5 से 7 मिनट ही। और मैंने यहाँ गैस का फ्लेम लो रखा है और दूध को रख दिया है बॉयल होने के लिए। आप देख सकते हैं दूध इतना गाढ़ा हो चुका है और दूध की क्वांटिटी भी कम हो चुकी है और थोड़ा इसे और हम गाढ़ा करेंगे। बॉयल होते हुए दूध में हम ऐड करेंगे 2-4 केसर के दाने और ज़्यादा नहीं ऐड करना है, 2 से 4। और दूध को फिर से हम चलाएंगे और यहाँ आप देख सकते हो जो एप्पल है ये जूसी होता है, इसका अपना जूस होता है, इसमें से जूस निकलना डिस्चार्ज होना शुरू हो गया है। बट हम गैस के फ्लेम को ऑफ कर देंगे और इसे जूस के साथ ही इस प्लेट पे निकाल लेंगे। तो फ्रेंड्स, इसमें हम डाल रहे हैं थोड़ा सा इलायची और चला लेंगे। आप देख सकते हैं हमारा दूध जो है वो जल के कम हो गया है और गाढ़ा भी हो गया है। तो फ्रेंड्स, मैंने यहाँ कुछ ड्राई फ्रूट लिया हुआ है, काजू और बादाम, किशमिश। काजू और बादाम को मैंने तोड़ लिया, छोटे छोटे पीटन में कट कर लिया है। अगर खीर को ज़्यादा हेल्दी बनाना हो तो हमें ड्राई फ्रूट ज़्यादा क्वांटिटी में डालना होगा। इसे हम व्रत में सर्व करने वाले हैं तो इसे हम दूध में डाल देंगे। दूध पूरी तरह गाढ़ा हो चुका है और ड्राई फ्रूट को हम दूध में उबालेंगे 5 से 10 मिनट।
फ्रेंड्स इसमें हम ऐड करेंगे एक छोटी कटोरी से एक कटोरी चीनी। ध्यान रहे एप्पल बहुत मीठा है और एप्पल ऑलरेडी मीठा होता है, इसकी वजह से हमें शक्कर की क्वांटिटी कम रखनी है। फिर भी मैंने एक कटोरी चीनी इसमें ऐड कर दिया है। आपको और मीठा बनाना हो तो आप और मीठा बना सकते हो। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं दूध अच्छे से उबल गया है, चीनी और ड्राई फ्रूट भी पक चुका है। अब इसमें हम ऐड करेंगे एप्पल को। और इसे हम 10 मिनट पकाएंगे लो फ्लेम पे। तो फ्रेंड्स आप देख सकते हैं हमारी खीर बनके रेडी हो चुकी है। आइए इसे सर्व के लिए निकालते हैं। तो फ्रेंड्स मैंने इसे सर्व के लिए निकाल लिया है सर्व करने के लिए। आप देख सकते हैं बहुत अच्छी खीर बनी है। तो फ्रेंड्स अगर हमारा खीर बनाने का तरीका आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताएं और मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब करें एंड शेयर भी करें। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रेसिपी के साथ। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, धन्यवाद।